तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियों की भरमार है, बहुत सारी गाड़ी हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये सारी गाड़ियों को मैं दिखाने वाला हूँ, उसका रेट और सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, कौन सा मॉडल है, क्या है, सब कुछ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों, और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, बहुत कुछ मिस कर देंगे स्किप करके, तो पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है LKO मस्ती। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आ गया हूँ विमल कार बाज़ार। और इस कार बाज़ार की वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, आप सबने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे देता हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर से एक नया स्टॉक आया है जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि आप देख सकते हैं मर्सिडीज़ से लेकर के सारी गाड़ियाँ यहाँ आपको मिल जाएंगी, छोटी गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, और बड़ी गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर थार से लेकर के, और सारी गाड़ी थार भी है यहाँ पर। ये देखिए महिंद्रा TUV 300 खड़ी हुई है, आपकी सबसे चहेती गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, ये देख सकते हैं आप, डिज़ायर खड़ी है। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत सारी गाड़ी है, सारी गाड़ी दिखाने वाला हूँ, सबकी मैं सबका मॉडल और प्राइस सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं यहाँ के जो भैया हैं ओनर, उनसे कि यहाँ पर किस रेंज से किस रेंज तक गाड़ी वो रखते हैं। तो हमारे साथ भैया हैं, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर टकवानी है। अमर भाई, और अमर भाई हमारे व्यूवर्स को हेलो बोलिए। हेलो। तो दोस्तों अगली बार अमर भाई नहीं मिले थे, आपके पापा थे, और अब की बार अमर भाई हैं। तो अमर भाई मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास यहाँ पर किस रेंज से किस रेंज तक गाड़ी मिल जाती है? हमारे पास 1 से लेकर 20 लाख तक सब गाड़ी मिलती है, 25 लाख तक सब गाड़ी। अच्छा, 20 से 25 लाख रुपये तक आपके पास सारी गाड़ियाँ यहाँ पर मिल जाती है, यानी छोटी से लेकर के बड़ी गाड़ी सब आप दे देते हैं। और अगर कोई रिक्वायरमेंट हो आपके पास नहीं भी हो तो वो भी आप अरेंज करा देंगे? तो दोस्तों वो भी अरेंज करा देंगे। गाड़ियाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी हैं, वो सारी मैं दिखाने वाला हूँ अभी। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ी है। तो दोस्तों पहले तो आप ये थार देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है। ये टायर की कंडीशन है, गाड़ी की कंडीशन भी बेहतरीन है, एक भी स्क्रैच नहीं है गाड़ी पे। और ये कौन सा मॉडल है भाई? ये टॉप मॉडल है, ये CRDI इंजन है, और ये टॉप मॉडल है। आप देख सकते हैं ये थार जो खड़ी है, CRDI इंजन है, टॉप मॉडल है। और ये मॉडल कौन सा है, किस सन का है? 14 मॉडल है ये, 2014 मॉडल है, जैसा कि आप देख सकते हैं UP 32 नंबर है, लखनऊ का नंबर है, 2014 मॉडल है। कितनी चली है भाई? ये चली है 40,000। 40,000 केवल? तो दोस्तों ये केवल 40,000 किलोमीटर चली है, और ये मॉडल 2014 है, फर्स्ट ओनर है ना भाई? फर्स्ट ओनर है। ये कितने की पड़ जाएगी ये? इसकी डिमांड 5.5 लाख है, 5.5 लाख रुपए इसकी। तो दोस्तों गाड़ी अंदर से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है, साफ है बिल्कुल। ये इंटीरियर है, पीछे आप सीटें देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 5.5 लाख रुपए की गाड़ी ये पड़ जाएगी। इसका देख खिंचा दो। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये आपकी XUV खड़ी हुई है महिंद्रा, देख सकते हैं। ये कौन सा है मॉडल? ये 14 मॉडल है। वर्जन कौन सा है? W8। दोस्तों ये W8 है, टॉप मॉडल, और ये 2014 मॉडल है गाड़ी, आप देख सकते हैं। ये टायर की भी कंडीशन आप देख सकते हैं, गाड़ी कहीं भी एक भी स्क्रैच नहीं गाड़ी पे, गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में दिख रही है। और ये चली कितनी भैया? चली 1 लाख। तो दोस्तों ये 1 लाख किलोमीटर चली है, गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, इधर से भी पूरी प्रोफाइल देख सकते हैं आप, बिल्कुल बेहतरीन है। और टायर बिल्कुल इसमें न्यू पड़े हुए हैं, चारों चेंज हो चुके हैं टायर, और 1 लाख चल चुकी है गाड़ी। ये प्राइस क्या है इसका? इसकी डिमांड है 7.75 लाख। 7.75 लाख की मिलेगी? 7.75। और मॉडल क्या बताया था? 14 मॉडल। तो दोस्तों 7.75 लाख रुपये इसकी डिमांड है, बाकी जो भी होगा ऑन टेबल यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, कम हो जाएगा है ना। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये आप देख सकते हैं इनोवा खड़ी है, और इनोवा की भी कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है। ये कौन सा मॉडल है? ये भी 14 मॉडल है दोस्तों, ये इनोवा भी 14 मॉडल है, और ये टॉप मॉडल है या टॉप सेकंड है? टॉप मॉडल ये भी है, ये वी है। गाड़ी की कंडीशन एकदम ज़बरदस्त है, कहीं भी एक स्क्रैच नहीं है गाड़ी में, टायर वगैरह की भी कंडीशन आप देख सकते हैं। तो ये चली कितनी है?
ये चली, ये भी 1 लाख के आसपास, ये 1 लाख के आसपास ये भी चली है। और इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 10.5 लाख है। इसका प्राइस जो है वो 10.5 लाख रुपए डिमांड है। और दोस्तों ये नेगोशिएबल है, जी, कम हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। ये खड़ी है स्कॉर्पियो। तो भाई ये स्कॉर्पियो कौन सा मॉडल है? 14 मॉडल है। गाड़ी कंडीशन देख सकते हैं आप, बिल्कुल बेहतरीन है। ये 2014 मॉडल ये भी है, UP 32 FZA नंबर है। और टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल गाड़ी है, आप देख सकते हैं। क्या प्राइस है इसका? इसकी प्राइस 7,75,000। 7,75,000, 7,75,000 रुपए इसके मांग रहे हैं। और ये गाड़ी चली कितनी है? ये भी चली 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास ये भी चल गई है। और गाड़ी आप कंडीशन देख सकते हैं, अंदर से मैं भी थोड़ा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये गाड़ी टॉप मॉडल है, दोनों एयरबैग लगे हुए हैं इसमें दोनों तरफ। अंदर से आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल बेहतरीन है, साफ़ सुथरा गाड़ी है, इंटीरियर भी ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक और इनोवा खड़ी हुई है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है ये। और साइड से इधर से भी आप देख सकते हैं टायर वगैरह न्यू पड़े हुए हैं इसमें। और ये कौन सा मॉडल है भाई? ये 13 मॉडल है। दोस्तों गाड़ी आप देख सकते हैं पूरा इस तरफ से भी बेहतरीन कंडीशन में है, ये 2013 मॉडल है। चली कितनी है? लगभग 1 लाख के आसपास ये भी चली हुई है। और ये 2013 मॉडल है गाड़ी, आप देख सकते हैं। और ये टॉप मॉडल है? नहीं, सेकंड टॉप है दोस्तों, सेकंड टॉप है। इसका प्राइस क्या है भाई बता दीजिए? 9.5 लाख। 9.5 लाख रुपए दोस्तों, 9.5 लाख रुपए इसका प्राइस है। और नेगोशिएबल है, ठीक है, आप कम करा सकते हैं। तो दोस्तों अभी छोटी गाड़ियों में आ जाते हैं। छोटी गाड़ियों में आप देख सकते हैं वैगनार बहुत बेहतरीन गाड़ी होती है और उसका एवरेज वगैरह भी अच्छा होता है। गाड़ी देख सकते हैं आप बहुत बेहतरीन कंडीशन में खड़ी है ये। और भाई इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस 1.25 लाख है। इसका 1,25,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। ये मॉडल कौन सा है? मॉडल 5 है। ये 2005 मॉडल है। पेट्रोल है या सीएनजी? ओरिजिनल पेट्रोल गाड़ी। कितनी चली है? ये चली है 50,000 के आसपास लगभग चली है ये। और आपको 1.25 लाख रुपये डिमांड है, बाकी इस पर नेगोशिएबल है, कम हो जाएगा, आप बात करके कम करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये खड़ी हुई इधर आपकी i10। ये कौन सा मॉडल है? i10 2009 मॉडल है। गाड़ी की कंडीशन अच्छी है और अभी मैं अंदर से भी दिखा दूंगा। टायर वगैरह इसमें अच्छे पड़े हुए हैं, न्यू टायर पड़े हुए हैं इसमें। और ये चली कितनी गाड़ी दोस्तों? ये भी लगभग 40,000 से 45,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी और कंडीशन गाड़ी की बेहतरीन है। और ये कितना प्राइस क्या है इसका? इसका प्राइस 2 लाख। 2 लाख रुपये इसका डिमांड है, 2009 मॉडल है। तो दोस्तों आप बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। दोस्तों एक झलक मैं अंदर से भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन बहुत ही बेहतरीन है। अंदर से भी साफ सुथरा इंटीरियर है गाड़ी का। दोस्तों ये देख सकते हैं ये मारुति सुजुकी वालों की है, ए स्टार है ना, 2010 मॉडल। गाड़ी की कंडीशन ठीक ठाक है, गाड़ी आप देख सकते हैं इधर से भी बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है। और अंदर से भी मैं दिखा देता हूँ, ये अंदर से भी आप देख सकते हैं VXI मॉडल है ये। और ये 65,000 किलोमीटर चली है। इसका प्राइस क्या है? दो लाख रुपये दोस्तों इसका डिमांड कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी नेगोशिएबल है, आप बात कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। ये गाड़ी आप देख सकते हैं ये i20 है, आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में। अलॉय लगे हुए हैं इसमें, आप देख सकते हैं अलॉय व्हील लगे हुए हैं। ये आपका टायर भी एकदम बेहतरीन कंडीशन में है, गाड़ी बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये 2011 मॉडल गाड़ी है, ये आप देख सकते हैं ये 2011 मॉडल है। गाड़ी कंडीशन बहुत ही बेहतरीन है, इधर से भी प्रोफाइल देख सकते हैं आप इसकी, और अंदर से भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। चली कितनी है ये? ये दोस्तों अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है, इंटीरियर वगैरह एकदम बेहतरीन है। ये करीब 70,000 के आसपास चल चुकी है। और इसका प्राइस क्या है, कितने की पड़ जाएगी? इसकी प्राइस 3 लाख। तो दोस्तों 3 लाख रुपए इसका डिमांड है और मॉडल गाड़ी है ये 11, तो 3 लाख रुपए डिमांड है, बाकी नेगोशिएबल है, आप बात कर सकते हैं इसके लिए। दोस्तों ये आप देख सकते हैं एक दूसरी भी i20 गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी है। और ये मैं अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ, ये पीछे से भी आप देख सकते हैं गाड़ी i20 बेहतरीन कंडीशन में खड़ी है। कितना चली है? तो दोस्तों 70,000 के आसपास ये भी चली है गाड़ी, अंदर से भी आप देख सकते हैं बेहतरीन कंडीशन में।
मॉडल क्या है ये? 12 है दोस्तों, ये 12 मॉडल है। इसका क्या डिमांड है? इसकी डिमांड 4.25 लाख। इसकी 4.25 लाख रुपए डिमांड है। ये 12 मॉडल है, टॉप मॉडल है, ये टॉप मॉडल है। गाड़ी में एक भी स्पेच नहीं है, इसके लिए भी आप बात कर सकते हैं कॉल करके। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये होंडा की गाड़ी है। ये कौन सी है? होंडा जैज। अच्छा, होंडा जैज है। और ये होंडा जैज है, आप देख सकते हैं गाड़ी कंडीशन एकदम बेहतरीन है। गाड़ी ठीक ठाक कंडीशन में है। ये लगभग कितना चली है? 62,000। ये अंदर से भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर है इसका, एकदम साफ इंटीरियर है। और ये चली है 62,000। ये टॉप मॉडल है? ये सेकंड टॉप मॉडल, ये सेकंड टॉप है। और ये 62,000 किलोमीटर चली है। प्राइस क्या है इसका? इसका प्राइस है 5,75,000 रुपये इसका प्राइस है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप, होंडा सिटी खड़ी है। ये पेट्रोल है, डीजल है? पेट्रोल। ये दोस्तों पेट्रोल होंडा सिटी है। ये आप देख सकते हैं गाड़ी कंडीशन बेहतरीन है, इधर से भी देख सकते हैं आप। और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है इधर से गाड़ी का, बेहतरीन कंडीशन में। ये कितना चली है भैया? ये चली है 60,000। ये 60,000 किलोमीटर चली है दोस्तों। ये 60,000 किलोमीटर केवल चली है। गाड़ी कंडीशन बहुत बढ़िया, इंटीरियर भी आप देख सकते हैं। और ये मॉडल क्या बताया भैया? ये 2010 मॉडल है। और क्या प्राइस है इसका? प्राइस है 4 लाख। ये 4 लाख रुपये डिमांड है दोस्तों इसकी, बाकी आप बात कर सकते हैं। उसके बाद ये डिज़ायर खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं डिज़ायर भी वाइट कलर में, ये बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी। ये टॉप मॉडल है, ये टॉप मॉडल ZDI है। ये आप देख सकते हैं गाड़ी टायर वायर सब बिल्कुल नए पड़े हुए हैं गाड़ी में। और कितना चली है लगभग? ये चली है 50 तो दोस्तों ये 50 के आसपास चली है। ये पीछे से भी गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। मॉडल ये 12 है? 13 मॉडल दोस्तों, ये 13 मॉडल है। और ये कितनी चली है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, प्राइस क्या है वो बताता हूँ मैं। तो दोस्तों ये आपको मिल जाएगी 5.5 लाख रुपए की, और ये चली है करीब वही 50,000 के आसपास। उसके बाद ये डिज़ायर खड़ी हुई है इस कलर में, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लग रही है। गाड़ी में एक भी स्क्रैच नहीं है, गाड़ी आप देख सकते हैं पूरी चारों तरफ से। ये डिज़ायर, ये कौन सा मॉडल है? ये भी 13 मॉडल है। गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है। ये कितना चली हुई है? ये चली है 58,000 दोस्तों, 58,000 किलोमीटर चली है। गाड़ी का इंटीरियर वगैरह बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल लग रहा है न्यू शोरूम से आई गाड़ी, आप देख सकते हैं। और लगभग ये इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 5.25 लाख। तो दोस्तों 5.25 लाख रुपये, 5,25,000 रुपये इसका प्राइस है। गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, गाड़ी में कोई भी काम कहीं से दिख नहीं रहा है, बाकी निगोशिएबल है, आप बात करके जो भी हो कम करा सकते हैं। गाड़ी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डिज़ायर आप देख सकते हैं, ये डीजल है और ये 2011 मॉडल है, वाइट कलर है। और ये ओल्ड शेप में है, आप देख सकते हैं ये ओल्ड शेप में है, और ओल्ड शेप काफ़ी मजबूत गाड़ी होती थी। जो अब आ रही हैं वो उतनी मजबूत नहीं है जितनी ओल्ड शेप मजबूत गाड़ी, आप देख सकते हैं। इसका इंटीरियर वगैरह मैं दिखा रहा हूँ, गाड़ी बिल्कुल साफ़ है, कहीं भी एक स्क्रैच नहीं है गाड़ी में, आप देख सकते हैं। टायर वगैरह की कंडीशन भी ठीक है इसमें। और अंदर से भी आपको मैं दिखा देता हूँ इंटीरियर वगैरह इसका। लगभग कितना चली है ये? 45,000 किलोमीटर चल चुकी है ये। और इसका प्राइस क्या है? प्राइस है इसका 3,65,000। 3,65,000 रुपये इसका प्राइस है, बाकी निगोशिएबल है, आप बात करके कम करा सकते हैं। टॉप मॉडल है ये कि टॉप सेकंड है? सेकंड टॉप मॉडल है वीडियो। अच्छा, ओनर फर्स्ट होगी ना? ओनर फर्स्ट है दोस्तों ये भी, आप बाकी बात कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये गाड़ी खड़ी हुई है डिज़ायर, ये भी बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में। ये भी पेट्रोल है, डीजल है? तो दोस्तों ये भी डीजल है और अलॉय व्हील इसमें लगे हुए हैं, देख सकते हैं। गाड़ी बहुत बेहतरीन कंडीशन में, ये भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। और ये लगभग कितने की पड़ जाएगी? ये 14 मॉडल है, 5,75,000 रुपये डिमांड है इसकी। और चली कितनी है? चली है 72,000। तो दोस्तों 72,000 किलोमीटर केवल चली है गाड़ी। ये गाड़ी देख सकते हैं आप, बहुत बेहतरीन कंडीशन में। तो ये देख सकते हैं होंडा स्विक, ये पेट्रोल है, और ये पेट्रोल है। ये कितना चली है लगभग? गाड़ी देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं अलॉय व्हील भी लगा हुआ है इसमें।
दोस्तों ये 2008 मॉडल है, इसकी प्राइस है 2,85,000 रुपये। और ये चली कितनी है? ये चली है 65,000। 65,000 चली, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। गाड़ी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में खड़ी है। फिर देख सकते आप, ये देख सकते हैं ये खड़ी है महिंद्रा की TUV 300। गाड़ी की कंडीशन बहुत ही बेहतरीन, एकदम साफ सुथरी गाड़ी है। आप देख सकते हैं आगे से भी, ये देख सकते हैं ये अलग से लगता है ग्रिल वगैरह। कितना चली है ये? चली है 50,000। तो दोस्तों ये 50,000 किलोमीटर चली है। और इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 7,00,000। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 7,50,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। ये टॉप सेकेंड है, टॉप है, ये सबसे टॉप वाला है। तो दोस्तों ये सबसे टॉप वाला मॉडल है गाड़ी का, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और ये 7,50,000 रुपये डिमांड है इसकी। तो दोस्तों ओनर फर्स्ट है ये, फिर उसके बाद ये डिज़ायर खड़ी है वाइट कलर में, और भी एक, ये आप देख सकते हैं, ये VDI है। दोस्तों ये VDI दोस्तों VDI ये कौन सा मॉडल है? ये 13 मॉडल है। तो ये 13 मॉडल VDI है, डीजल पेट्रोल है? डीजल है। गाड़ी कंडीशन आप देख सकते हैं बेहतरीन कंडीशन में है। तो ये VDI कितने की पड़ जाएगी? दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए आप सबको, कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। और ये 4,50,000 की पड़ेगी दोस्तों, ये 4,50,000 रुपए की पड़ेगी। बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। चली कितनी है ये? चली 65,000 चली है, फर्स्ट ओनर है दोस्तों। ये भी देख सकते हैं स्विफ्ट VDI, ये भी है और ये भी डीजल है। गाड़ी कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है। टायर वगैरह भी एकदम न्यू पड़े हुए हैं इसमें। ये कितना चली है? ये एकदम चली है 70,000 किलोमीटर ये चली है गाड़ी, आप देख सकते हैं। और ये प्राइस क्या है इसका? प्राइस 3,00,000 है। 3,00,000 रुपए इसका डिमांड है। और 2011 मॉडल गाड़ी है ये। गाड़ी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी गाड़ी खड़ी है। और मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको, अंदर से भी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन, अंदर से इंटीरियर वगैरह एकदम साफ़ सुथरा है आप देख सकते हैं। और ये 3,00,000 रुपये डिमांड है, बाकी नेगोशिएबल है। ये डीजल है, ये फर्स्ट ओनर है ना ये भी। उसके बाद फिर ये वैगनार खड़ी हुई है, ये कौन सा मॉडल है? 2009 मॉडल। दोस्तों ये 2009 मॉडल वैगनार। गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं स्क्रैच वगैरह नहीं है, गाड़ी साफ़ सुथरी है। अंदर से भी मैं दिखा देता हूँ। ये कितना चली है? दोस्तों ये 80,000 किलोमीटर चली है। और पावर विंडो है, पावर स्टेयरिंग है गाड़ी, आप देख सकते हैं अंदर से भी इंटीरियर वगैरह एकदम साफ़ सुथरा है इसका। और प्राइस मैं जल्दी से बता देता हूँ, 9 मॉडल है ये, पेट्रोल है जी, पेट्रोल है, ओरिजिनल गाड़ी है पूरी। और इसका जो डिमांड है वो 2,00,000 रुपये है। और उसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं ये i20 खड़ी है, ये भी गाड़ी कंडीशन में बहुत बेहतरीन है आप देख सकते हैं। इसका क्या मॉडल है? 13 मॉडल है ये। 13 मॉडल चली कितनी है? चली है 45,000 किलोमीटर चली है गाड़ी का। मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ, गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन, देख लीजिए आप। और ये कितने की पड़ जाएगी? ये पड़ जाएगी 3,85,000। 3,85,000 रुपए की ये पड़ जाएगी, फर्स्ट ओनर है ये। दोस्तों ये एक बलेरो खड़ी हुई है आप देख सकते हैं, ये कौन सा मॉडल है? ये 12 मॉडल। दोस्तों गाड़ी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है, 2012 मॉडल है। टायर वायर की कंडीशन भी एकदम ज़बरदस्त है। और ये मॉडल कौन सा है ये? जो ZLX है, तो ZLX है ये, टॉप मॉडल है और 2012 मॉडल है। गाड़ी कंडीशन बहुत बेहतरीन है आप देख सकते हैं। और ये M2 DI इंजन है ना, और इसका चली कितनी है? ये चली है, तो दोस्तों ये गाड़ी चली है 65,000। और ZLX मॉडल है, अंदर से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में। प्राइस क्या है भाई इसका? प्राइस इसका है 5,00,000। 5,00,000 रुपए प्राइस है इसका, डिमांड 5,00,000 रुपए है, बाकी नेगोशिएबल है, आप यहां पर आकर के बात कर सकते हैं। उसके बाद ये खड़ी वरना, ये आप देख सकते हैं ये कौन सा मॉडल है? ये 2013 मॉडल है। गाड़ी बहुत बेहतरीन कंडीशन में, एक भी स्क्रैच नहीं है आप देख सकते हैं। और ये वरना कितनी चली है? ये 80,000 किलोमीटर वरना चली है, आप देख सकते हैं। मॉडल 2013 है। प्राइस क्या है इसका? दोस्तों प्राइस 6,00,000 रुपए है, डिमांड 6,00,000 रुपए है इसकी। और आप देख सकते हैं आकर के यहाँ पे, बाकी जो भी होगा नेगोशिएबल हो जाएगा ऑन टेबल, फर्स्ट ओनर है ना ये। दोस्तों ये इको स्पोर्ट खड़ी है आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में खड़ी है गाड़ी। इधर का देख सकते हैं आप बिल्कुल बेहतरीन, कहीं भी एक भी स्क्रैच नहीं है।
और इसमें टायर वगैरह एकदम बेहतरीन है। आगे से भी आप देख सकते हैं गाड़ी, ये भी आप देख सकते हैं इधर से, बहुत बेहतरीन कंडीशन में है ये गाड़ी। और अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में, यानी कि एकदम न्यू लग रही है गाड़ी। और ये मॉडल कौन सा है? ये मॉडल में 14 मॉडल, ये 14 मॉडल है गाड़ी, आप देख सकते हैं। ये अंदर से भी आप देख सकते हैं इंटीरियर वगैरह इसका बहुत ही बेहतरीन है। और प्राइस क्या है भाई इसका? साढ़े पाँच लाख रुपए इसका प्राइस है। अगर बात करूं मैं डीजल है, इसका एवरेज क्या होगा लगभग? आपको देंगे 18 के आसपास। 18 के आसपास। तो दोस्तों 18 का एवरेज है, गाड़ी बहुत बेहतरीन है ये, आप देख सकते हैं। और इसका जो डिमांड है 5.5, फर्स्ट ओनर गाड़ी ना, ये फर्स्ट ओनर है दोस्तों, ये आपको बेहतरीन गाड़ी मिल जाएगी, आप इसे परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। होंडा सिटी डीजल आप देख सकते हैं, ये डीजल होंडा सिटी है गाड़ी, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है एकदम। इधर से भी आप देख सकते हैं एक भी स्क्रैच नहीं है गाड़ी में। और ये गाड़ी कितनी चली है? ये 70,000 किलोमीटर चली है दोस्तों। और गाड़ी अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैं खोल करके दिखा दे रहा हूँ अंदर से। और ये फर्स्ट ओनर है। प्राइस क्या है इसका? दोस्तों इसका प्राइस 8 लाख रुपए है, डिमांड 8 लाख रुपए है, लेकिन कम हो जाएगा, अब जब आएंगे बात करेंगे कम हो जाएगा। 2015 मॉडल है दोस्तों, ये 15 मॉडल है और 8 लाख रुपए प्राइस है। चली कितनी है ये? ये सबसे टॉप वाला है या सेकंड टॉप है? सबसे टॉप मॉडल है दोस्तों, आप देख सकते हैं अंदर से भी इंटीरियर वगैरह देख सकते हैं गाड़ी का, बहुत ही प्यारा है। ये डीजल होंडा सिटी है गाड़ी, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है, फर्स्ट ओनर है और सबसे टॉप मॉडल है ये, और डीजल वर्जन है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपने देखा यहाँ पर सारी गाड़ियाँ, ये विमल कार बाज़ार है, और इसका पूरा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके आप बात कर सकते हैं, जो भी गाड़ी आपको परचेज करना हो। ट्रांसफ़र वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आप जहाँ भी जिस भी ज़िले में रह रहे हों वहाँ आपको NOC मिल जाएगी, वहाँ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी। और बाकी निगोशिएबल है, जो भी गाड़ी दिखाई गई है वो अपना आप अपने हिसाब से जो भी हो गाड़ी देखें, बात कर सकते हैं आप। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और नया ब्लॉग मैं बनाने वाला हूँ लग्जरी गाड़ियों का वहाँ का, तो वहाँ पर कई गाड़ी लग्जरी थी जो मैंने नहीं अभी शूट की है, वो अगला ब्लॉग आएगा अगले दिन, तो दोस्तों वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उसमें मैं फॉर्च्यूनर और उसके बाद आपकी वो कौन सी BMW है और आपकी और भी गाड़ी हैं लग्जरी गाड़ी हैं, तो वो सारी मैं दिखाने वाला हूँ, तो उसे ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और मैं नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉग है वो, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मिलते हैं नए वीडियो में, कुछ नया करते हुए, नया दिखाते हुए, तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।